और जैसा आपको जानकारी है कि आज फरीदाबाद जिले की ग्रीवेंसीज कमेटी उसकी मीटिंग हुई है और उसमें 14 कंप्लेंट्स आज थी, जिसमें 3 पहले से जो चली आ रही हैं उसको पेंडिंग रखा हुआ था और 11 नई थी। तो काफ़ी उसमें सॉल्व भी किए हैं, कुछ ऐसे ही जैसा कुछ लंबी कंप्लेंट्स होती हैं जिसका डिसीजन तुरंत नहीं होता, उसको अगली मीटिंग के लिए भी रखा जाता है। तो जैसे कंप्लेंट्स में एक विषय हीवो का, हीवो जो सोसाइटी पिछली बार से भी चला आ रहा है वो विषय, और उसमें अंत में निर्णय ये हुआ कि जो नई उनकी RW बनी है उन्होंने एक एप्लीकेशन दी है कि जो कंपाउंडेबल बिल्डिंग्स हैं उनको कंपाउंड करके फीस लेके कंपाउंड किया जाए और जो कंपाउंडेबल नहीं है उनको बेशक एनक्रोचमेंट को तोड़ा जाए। लेकिन हमने ये कहा कि कंडीशन के साथ आपके एप्लीकेशन पर विचार किया जाएगा। कंडीशन ये है कि आप 7 दिन के अंदर अंदर 25 लाख रुपया जमा कराएं सिक्योरिटी, तो 25 लाख रुपये जमा कराने के बाद उस एप्लीकेशन को विचार करेंगे, अन्यथा ये चीज़ लंबी चलती रहती है, कोर्ट्स में किसे पड़े हैं, हम उसको सॉल्व करना चाहते हैं कि जिसको सुविधा दी जा सकती उसको दें और जिसको नहीं दी जा सकती उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। इसी प्रकार जो ये नहर है कौन सा छायसा डिस्ट्रीब्यूटरी में काम हुआ भी है, उन्होंने टेल तक पानी पहुंचाने के लिए कोशिश भी की है नहर विभाग ने, लेकिन फिर भी अभी शिकायतकर्ता की संतुष्टि नहीं है। हमको भी लगता है कि इस पर और काम करने की आवश्यकता है, तो उसमें पावर डिपार्टमेंट और सिंचाई विभाग दोनों मिलकर के और काम करेंगे। अगर पावर की कोई कमी है उसमें सिस्टम की तो वो ठीक करेंगे, और सिंचाई विभाग के लोग चाहे उनका सिविल का काम है या कोई भी जो उसके एडमिनिस्ट्रेटिव टेक्निकल काम है वो सब मिल करके 31 दिसंबर तक उस नहर को चिंता करेंगे और उसकी कमियां सब दूर करेंगे। एक पिछली बार कंप्लेंट थी कि एक महिला, क्या नाम था महिला का, जिसके कागज मोहिनी, उन्होंने कोई मकान में अपना लिया था सोसाइटी में, और सोसाइटी के माध्यम से जो कर्ज लिया हुआ था उस मकान के ऊपर उस कर्ज के पैसे उन्होंने चुका दिए, लेकिन सोसाइटी के जो कर्ता धर्ता थे उन्होंने पैसे आगे जहाँ से लोन लिया था उनको दिए नहीं, अपने पास रख लिए। FIR हो गई है, लेकिन वो केस बहुत पुराना है, तो जो सोसाइटी के कर्ता धर्ता थे उसमें से बल्कि 2-3 लोगों की तो डेथ भी हो गई है, 2-3 लोग बाकी हैं, उनकी भी 80 साल से ऊपर उम्र हो गई है, लेकिन चूँकि अमाउंट बहुत इतना कम है, ये महिला भी बहुत पीड़ित है, तो हमने उसका निर्णय यही किया कि हाउस फेड से लोन लिया हुआ है, उनका कह करके पॉलिसी बना के जो इंटरेस्ट है 50,000 का लोन है, 38,000 रुपया उसके इंटरेस्ट बन गया, तो इंटरेस्ट उन्होंने छोड़ दिया है, 50,000 रुपया CM रिलीफ फंड में से हमने उनको दिला दिया है ताकि अब कुल मिला के इस महिला को लाभ मिल जाए, इसको कागज़ वापस मिल जाए, और बाकी वो जो मर गए हैं या बूढ़े हैं पता नहीं आए कि नहीं कह सकते, लेकिन वो 50,000 रुपया हमने अपने अकाउंट से लेकर के उस केस को ख़त्म कर दिया। यहाँ की डेरीज को प्लॉट दिए गए थे 2003 से 2006 के बीच, और उस शिकायत पर भी ये विषय आया कि कुछ लोगों को प्लॉट मिले थे फिर बाद में कोर्ट केस हो गया, उनकी एलिजिबिलिटी है कि नहीं है इस पर एक प्रश्न चिन्ह लग गया। तो हमने कहा कि जो 2003 और 2006 के बीच में जिन्होंने अप्लाई किया है 25% पैसा जमा भी करा दिया, एक प्रकार से वो एलिजिबल तो उस नाते से मान ही लिए जाएंगे, क्योंकि उस समय का कोई उनके पास लाइसेंस डेयरी का उस समय भी कौन देता था, कई बार कमेटी भी देती नहीं थी, घरों में डेयरियाँ होती थी, उनको बाहर निकालने के लिए कोई स्कीम बनाई जाती है, तो उनको एलिजिबल मान करके और उनके प्लॉट्स 25% पैसा छोड़कर 75% पैसा या तो उस समय के जो पैसा आज ब्याज में ले लें, नहीं तो आज के रेट में 75% ले करके उनको प्लॉट दे दिए जाए, ये फैसला कर दिया। इसी प्रकार से HSVP का सेक्टर, उसमें कोई एक प्लॉट ये ऑक्शन में दिया गया था किसी एक कंप्लेनेंट को, और वो प्लॉट क्योंकि ज़मीन क्लियर नहीं थी उसके कारण से उसको प्लॉट मिल नहीं सका, तो निर्णय हमने दिया है कि 2 ऑप्शन में से एक ऑप्शन उसको दे दी जाए, या तो सेम कीमत का किसी अन्य सेक्टर को उसको प्लॉट दिया जाए, नहीं तो जो ऑप्शन में पैसा उसने जमा कराया विद इंटरेस्ट उसको वापस किया जाए, दोनों चीज़ों में जो कंप्लेनेंट है जो चीज़ वो चाहेगा तो उसको चुन लेगा।